Hello everyone, welcome back to my channel. So this is the first time I'm making video with my face and my voice, so I'm a little shy, please support me. So today's video is about painting on tote bags. Recently tote bags बहुत ज़्यादा trending में हैं, काफ़ी लोग use कर रहे हैं इसे, but मुझे tote bags बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है. मैंने ये tote bags local train से खरीदी थी and the price was just 50 rupees. एक white color में है, एक black color में है. So for today's video, पहले हम white color के ऊपर paint करते हैं. So let's go! तो ड्राइंग मैंने पहले से ही कर ली है, अब पेंटिंग करने की बारी है. और इस बैग के ऊपर पेंट करने के लिए मैंने चूज़ किया है टोटोरो. टोटोरो इज़ वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम वन ऑफ माय फेवरेट जिबली मूवी माय नेबर टोटोरो. आई एम अ वेरी 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 बिग फैन ऑफ जिबली मूवीज़ एंड आई एम ऑल्सो अ वेरी बिग फैन ऑफ मिस्टर मियाज़ाकी. ओह माय गॉड, ही इंस्पायर मी अ लॉट. मुझे वो बहुत पसंद है, उनके थॉट्स मुझे बहुत पसंद है. अगर कोई जिबली फ़ैन ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है. तो मैं यहाँ पे थ्री काइंड ऑफ टोटोरो कैरेक्टर ही ड्रॉ कर रही हूँ. एक तो बिग वन, देन द ब्लू वन विच इज़ मीट टोटोरो, एंड देन द लिटिल वाइट वन. I love this movie and I love all the characters. Okay, so my big Totoro is almost done. अब मैं blue one start करूँगी. मैंने यहाँ पे सारे characters को बहुत ही ज़्यादा cute बनाने की कोशिश की है. This blue Totoro looks very pretty. ये मुझे बहुत पसंद है. Okay, so this one is almost done. Next white one को color करना है. ये एकदम छोटू सा है, क्यूट सा, और मूवी में शायद इसका कोई मुंह नहीं दिखाया गया, ओनली बस आईज है, गोल गोल आँखें हैं. दो इट्स लाइक अ स्नोबॉल, गोल सा छोटू सा स्नोबॉल. ओके, सो वाइट वन का बेस कलर कंप्लीट करते ही मैं वन ऑफ द प्रीटीएस्ट एंड सिंबॉलिक चीज़ जो है माई नेबर टोटोरो में वो है द लीफ, अ बिग ग्रीन लीफ. तो अब उसको करने की बारी है. एंड जो जिबली मूवीज़ देखते हैं उन सभी को पता है कि जिबली इज़ ऑल अबाउट ब्यूटिफुल ग्रीनरी. जिबली वर्ल्ड इज़ द मोस्ट पीसफुल थिंग फॉर मी. इट्स लाइक अ थेरेपी फॉर मी. Everything is so beautiful, so vibrant, so green, और skies भी बहुत pretty है. The clouds, the water drops, the rain drops, everything is pretty. The cooking, everything is pretty in Ghibli world. So that's why यहाँ पर मैं बहुत सारा green add करने वाली हूँ, flowers add करने वाली हूँ, and पूरी कोशिश करूँगी इसको beautiful बनाने की. So stay with me. सो मुझे एक आर्टिकल से पता चला था कि ड्यूरिंग द कॉन्सेप्ट द ब्लू वन वॉज कॉल्ड जुकू एंड द वाइट वन वॉज कॉल्ड मिन. एंड साथ में ये भी पता चला कि बिग टोटोरो सन इज़ द ब्लू वन एंड द वाइट वन इज़ द ब्लू वन सन. सो आइए पेंट करते करते अपने बारे में कुछ बातें शेयर कर लेते हैं. सो एट फर्स्ट आई वॉज वेरी कन्फ्यूज कि कौन सी भाषा में वीडियो बनाया जाए, क्योंकि मैं वेस्ट बंगाल से हूँ एंड माई फर्स्ट लैंग्वेज इज़ बांग्ला, बंगाली. आई लव माई लैंग्वेज बट मुझे बहुत लोगों से कनेक्ट करने का मन है. सो मैंने सोचा कि हिंदी इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि इंडिया के कहीं से भी कोई भी हो उनको हिंदी थोड़ा बहुत तो समझ आता ही है. सो इस हिसाब से मैंने हिंदी को चूज़ की, अदरवाइज़ मैं बंगाली में भी वीडियो बना सकती थी. हिंदी में मुझे एक ही चीज़ में प्रॉब्लम लगता है, कभी कभी मुझे समझ नहीं आता है कि कौन से वर्ड के पीछे आ लगाना है एंड कौन से वर्ड के पीछे ई लगाना है. थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, लाइक जेंडर वाला गेम है कुछ. सो इसीलिए मैंने सोचा कि ओके हिंदी में बात करते हैं, शायद कहीं पर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सकता है, बट आई कैन ट्राई, राइट. इन फ्यूचर देखते हैं क्या बनता है. इन फ्यूचर शायद मैं बंगाली में भी वीडियो बना सकती हूँ, बिकॉज बंगाली इज़ द स्वीटेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. सो या आई शुड. सो आई वॉन्ट टू शेयर वन मोर थिंग
कि ट्रेन में ये बैग वाले भैया जब बैग सेल कर रहे थे तो वो लिटरली ये बोल के सेल कर रहे थे कि बहुत कर लिए पेपर पे पेंटिंग, अब बैग पे करो। तो ये बात सुन के मुझे भी लगा कि यार ट्राई करना चाहिए, सो मैंने ख़रीद ली। एंड बहुत दिन हो गया था कि मैंने कुछ नहीं किया क्योंकि मैं ऑफिस के काम से बहुत ज़्यादा बिजी थी, बट फाइनली मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिला है कुछ करने के लिए, सो आई एम ट्राइंग, देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। मुझे नहीं पता बाकी आर्टिस्ट ऐसे फील करते हैं या नहीं, बट मैं जब भी नेचर रिलेटेड कुछ भी ब्यूटीफुल सा ड्रॉ करती हूँ तो मुझे अंदर से सुकून मिलती है। सो मैं इस पेंटिंग के पेड़ पौधों में भर भर के डिटेल्स ऐड करने वाली हूँ एंड ब्यूटीफुल कलर्स के फूल। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव अ एक्चुअल जिबली वाइब। After adding a lots of details, अब और एक pretty चीज़ की बारी है। अब मैं leaf के ऊपर little water drops draw करने वाली हूँ। It looks really beautiful and काफ़ी जगह पे काफ़ी details add करना है। नीचे grass में dark and light का game खेलना है, इससे picture बहुत ज़्यादा vibrant हो जाता है, लाइक निखर के आता है। उसमें फ्लावर्स ऐड करना है, फ्लावर्स के अंदर डिटेल्स, छोटे छोटे डिटेल्स ऐड करने से पिक्चर बहुत ज़्यादा खूबसूरत बन जाता है। एंड या इट्स ऑलमोस्ट डन। मुझे तो ये बहुत पसंद आ रहा है, बहुत क्यूट लग रहा है, मैं खुश हूँ अपने काम से। ओके सो अब फाइनली द लिटिल वन को कंप्लीट करना है एंड देन टोटोरो के मूछों को कंप्लीट करने के साथ साथ टोटोरो के नाक और छोटा सा मुंह भी बनाना है। फिर पूरे पिक्चर को देखने के बाद मुझे लगा कि कुछ स्काई के डिटेल्स ऐड करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लाउड्स बनाने वाली हूँ एंड क्लाउड्स के अंदर थोड़ा सा डिटेल्स ऐड करने वाली हूँ। सो नाउ इट्स फाइनली डन, आई एम सो हैप्पी। So this is the first time I'm making something related to Ghibli Studio. ये पहली बार मैंने कुछ Ghibli related बनाया है and that's why I'm really happy. मुझे बहुत खुशी हो रही है। This video and the artwork ये दोनों ही मेरे लिए बहुत special है, बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर मैंने एक beautiful सा shot लेने की कोशिश की है हमारे garden में। सी एंड कमेंट करके बताना आप लोगों को कैसा लगा। हाय आई एम हेयर अगेन। काफ़ी दिनों बाद मैंने कुछ बनाया है। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी काफ़ी दिनों बाद। एक्चुअली जिबली रिलेटेड काम करके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, इट्स वेरी पीसफुल। ओके सो नेक्स्ट ब्लैक कलर के ऊपर क्या बनाना है आप लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हो। बाय बाय।